हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ, बजाज ग्रुप का एक टॉप का स्टॉक है, बजाज फिनजब लिमिटेड। बजाज फिनजब लिमिटेड अगर आप देखो, देखा होगा आपने कंपनी जो बजाज एलियांज है, बजाज फाइनेंस है, ये सब इसकी कंपनीज हैं। बजाज फिनजब इनकी पेरेंट कंपनी है, बाकी सब चाइल्ड कंपनीज है। तो देखिए, बजाज फिनजब लिमिटेड अगर आप देखें आज की डेट में, इसका शेयर प्राइस जो है 5163 का है, ऑलमोस्ट 87 रुपीज़ डाउन ये होके बंद हुआ है आज। और रिजल्ट आया इसका अराउंड 3-4 बजे के अराउंड, इसका रिजल्ट भी आया। रिजल्ट कैसा रहा, मार्केट बंद होने के बाद इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए, और उसके ऊपर इसके कल के मार्केट का प्राइस डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ओपन होगा स्टॉक। 52 वीक लो देखा जाए तो 4444 है, एंड 52 वीक हाई जो है 7200। तो 7200 से गिर के ये 5100 के अराउंड आया, तो ऑलमोस्ट 2000 रुपये के अराउंड का इसमें डिप देखने को मिला है इस स्टॉक में। चलिए रिजल्ट की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बजाज फिनजब लिमिटेड 82,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप का मार्केट कैपिटलाइजेशन, वन ऑफ द टॉप फाइनेंसिंग कंपनी। देखिए अर्निंग पर शेयर 183, पी रेशियो 28, इंडस्ट्री भी जहाँ पे 31 है इसकी 28 है। बुक वैल्यू 2000 रुपीज़ की तो बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55, फेस वैल्यू 5। अब ये देखिए बजाज फिनजब आज जो रिजल्ट आया 4:30 बजे के अराउंड जो रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसा रहा वो ये देखिए। अगर आप बात करते हो, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैं शो कर रहा हूँ आपको, टोटल इनकम की बात करते हो 9698 करोड़, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 950 करोड़ से ऊपर है, 9500 करोड़ से ऊपर, मतलब 9600-9700 करोड़ के अराउंड है, 9700 करोड़ के अराउंड ऑलमोस्ट इस क्वार्टर का टोटल इनकम है। लास्ट क्वार्टर जून में जो टोटल इनकम था वो 8700 करोड़ के अराउंड था, और सितंबर लास्ट ईयर 7500 करोड़ के अराउंड था। तो टोटल इनकम में तो क्वार्टरली भी है, ईयरली भी इंक्रीज देखा गया है, लेकिन प्रॉफिट देखिए, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखिए 1190 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1328 करोड़ का था। तो यहाँ पे डिप देखने को मिला है प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। अगर बात करते हैं उससे पहले, यानी कि जून क्वार्टर से पहले मार्च क्वार्टर था, वहाँ पे भी 1113 करोड़ था, एंड उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 1203 करोड़ था, सेप्टेम्बर क्वार्टर में 1000 करोड़ के अराउंड जो नेट प्रॉफिट था। अब ये देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए, बजाज फिनजब का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्लो हो गया है, एज IL&FS क्राइसिस हर्ट। जो IL&FS की क्राइसिस चल रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, NBFC में, तो वो भैया सबको दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो वो उसका असर सब में ही है। तो आप देखिए बजाज फिनजब लिमिटेड का जो ये प्रॉफिट है कि पिछले 6 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट प्रॉफिट रहा है इसका, ये मान के चलिए इस क्वार्टर का सबसे लोएस्ट पिछले 6 क्वार्टर में कंपैरिजन किया जाए तो नेट प्रॉफिट फॉर द, ये पुणे बेस्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बजाज फिनजब, तो देख लीजिए आप खुद देखिए किस तरीके से, देखिए ये प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है ईयर ऑन ईयर वाइज अगर देखा जाए। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 18 में 9% का था, फिर 13% का, 22% का, 28% का, 41% का, आप देखिए यहाँ 1% का। तो प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो बहुत कम आंकी गई है इस बार, आप ये देखिए। तो आगे देखिए बजाज फिनजब की अगर हम बात करें तो टोटल डेट 63,000 करोड़ का है, एंड 95,000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, ये टाइम टू टाइम डिविडेंड भी पे करता है, बहुत मामूली सा डिविडेंड देता है बजाज फिनजब। ग्राफ देखिए 2009 में ये स्टॉक 100 रुपये का हुआ करता था, आप खुद देखिए 2008-09 में देखिए 100 रुपये के अराउंड का ये स्टॉक था एक टाइम पे, देखिए 90-100 रुपये के अराउंड का स्टॉक था 2008-09 के बीच में। ये स्टॉक 100 रुपये से बढ़ के आपका 7500 के अराउंड चला गया, और अभी देखिए 5000 के अराउंड आ रखा है गिरावट में। तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन इसका जो ग्रोथ पैटर्न देख के मुझे लग रहा है थोड़ा सा और गिरावट आएगी इस स्टॉक में थोड़ा बहुत और गिरावट आने के चांसेस हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, आप खुद देखिए ग्राफ देखिए कितना स्मूथ ग्राफ आपको ग्रोथ के हिसाब से दिख रहा होगा, लेकिन इसमें और गिरावट आने के चांसेस हैं। और ये स्टॉक आपको 4500 के अराउंड भी मिल सकता है, मतलब ये जो लाइन दिख रही है 4700-4800 की लाइन, उसके अराउंड भी ये स्टॉक जो है ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम में। आप खुद देखिए स्टॉक को, अगर आप इस लाइन को सीधे कर दें थोड़ा सा, तो आपको ये स्टॉक इस लेवल्स पे मिल सकता है, मतलब कि 4700 के लेवल पे मिल सकता है। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक में, अगर आप नज़र बनाए रखें, टॉप का स्टॉक है, आने वाले टाइम पर इस लेवल्स पर आपको मिल जाएगा ये 4700 के लेवल पर। और गिरावट आ सकती है जिस तरीके से इसने रिजल्ट अभी शो किया, तो थोड़ा बहुत और गिरावट आने की उम्मीद है, तो आपको इस लेवल पर मिल जाएगा आने वाले टाइम पे। कुछ और भी, अभी 2-3 महीने में जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो थोड़ा बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर रिजल्ट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते हैं तो। देखिए
इस लेवल पे ये स्टॉक की एक बेस्ट बाइंग है। अगर ये नीचे इस लेवल 4000 के अराउंड भी मिलता है तो और बढ़िया, ये बाइंग मैं मानूंगा। इसमें गुड क्वालिटी का स्टॉक है बजाज फिनजम लिमिटेड, क्योंकि ये कंपनी क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था, पेरेंट कंपनी है किसकी, ये देखिए, ये कंपनी जो है बजाज एलियांज, जो कि अनलिस्टेड बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस अनलिस्टेड कंपनी है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस अनलिस्टेड कंपनी है जो बजाज फिनजब के अंदर आते हैं, और बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है लिस्टेड कंपनी है। तो इन सबका यह पेरेंट है बजाज फिनजब। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बजाज फिनजब का जो रिजल्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।